बिजनौर के पैदा गांव में छेड़छाड़ की घटना को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक उमेश श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पैदा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एक पुलिस चौकी बनाई गई है, साथ ही गांव से शराब की दुकान भी हटवा दी गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही पुलिस ने बिजनौर में डॉक्टर बागेश के यहाँ तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा जनपद भर में धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से 14 कंपनी PSC भी तैनात कर दी गई है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि गांव में बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द को जल्द सुधारने और बीच की दूरी मिटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने घर छोड़कर फरार हुए आरोपियों को भी घर लौटने का आह्वान करते हुए उन्हें पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना 16 तारीख को प्रातः 7:53 में घटित हुई। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना की जानकारी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी, मैं और SP साहब मौके पे गए, घटना को नियंत्रण में लाया गया। अब तक जो इसमें कार्रवाई हुई है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक लाइसेंसी राइफल है उसको बरामद किया गया है, प्लस 2 कंट्री मेड जो वेपन हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें लगातार हमारा प्रयास जारी है कि और लोगों की गिरफ्तारी की जाए, शांति व्यवस्था कायम रखा जाए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ हम लोग NSA कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बातचीत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घटना के में मृत लोग हैं उनके आश्रितों को 20 लाख की प्रति व्यक्ति सहायता, इसके अलावा जो घायल हुए हैं प्रति घायल 5 लाख की आर्थिक सहायता घोषित की है। वो सहायता हमने ट्रेजरी खुलवा करके 17 तारीख को ही जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि ऐसे लोगों को जो कि घटना से प्रभावित हैं उनके परिवारों को जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में उनको लाभान्वित किया जाए। हम उनको लोही आवास देंगे, समाजवादी पेंशन या अन्य पेंशन योजना, उसके अंतर्गत हम लोग उनको लाभान्वित कराएंगे। जिन लोगों के नाम जमीन है उनको हम कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित करेंगे। घटना पर हम लोग निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि शहर में पूरे जनपद में अमन चैन कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई दिक्कत ना होने पावे। आने के लिए क्या क्या बाहर से कुछ लोग मिलने या नेता लोग वो आ रहे हैं, उनके आगे पैनिक ना हो माहौल, उसके लिए जी हाँ, इसमें भी हमने आज ही एक आदेश किया है, जो भी बाहरी व्यक्ति हैं धारा 144 के अंतर्गत उनको हम गांव जाने से प्रतिबंधित कर दिए हैं, वो गांव नहीं जाएंगे। जिनको कोई अपनी बात रखनी है, अपनी समस्या रखनी है, मुझसे और कप्तान साहब से अपनी बात रख सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो भी वाजिब समाधान है वो समाधान हम खोज निकालेंगे। शांति व्यवस्था के लिहाज से धामपुर पुलिस ने भी नगर में फ्लैग मार्च निकाला और नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया।